वेलकम एवरीवन। तो टुडे आवर टॉपिक इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड वाइज। सीबीएसई बोर्ड में इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना जरूरी है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, कभी 1 मार्क का भी बन जाता है, पर लेकिन जो 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो उसी टॉपिक से बनता है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स। तो आज इसकी स्टडी करेंगे, तो देखते हैं क्या है इसमें। तो डिवीजन एल्गोरिथम में बहुत सिंपल फंडा है। तो देखो क्या फंडा है वो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, 9th क्लास में भी देखा होगा आपने, डिवाइडेड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्या मीनिंग है सर इसका, अगर डिवाइडेंड को आप कुछ भी मान लो, p ऑफ x मान लो और कोशेंट को मान लो q ऑफ x, और डिवीजर हो जाएगा आपका g ऑफ x प्लस रिमाइंडर हो जाएगा आपका r ऑफ x। तो ये होता है आपका क्या, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स। ये देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं पहले आपके लिए। देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, मान लो मैं 7 को 3 से डिवाइड करता हूं, तो 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 6, यहां पे 1, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है वो आपका क्या हो जाएगा, क्वेशेंट, ये 1 क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर, और ये क्या हो जाएगा आपका, डिवीजर, जिसको मैंने क्या बोलना है, g ऑफ x, ठीक है, और ये क्या है आपका, p ऑफ x। अब देखो जो 7 है तो इस 7 को मैं क्या ये लिख सकता हूं, 7 इज इक्वल टू q ऑफ x, मेरे का है 2, तो 2 into g ऑफ x कितना है 3, तो 3 प्लस r ऑफ x कितना है मेरा 1। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो इतना ही आएगा, 2 into 3 6 और प्लस 1 7, तो 7 इज इक्वल टू 7। तो यहां से ये फार्मूला आता है कि px इज इक्वल टू qx into gx प्लस rx। तो इसको याद रखना, इसका वेरिफिकेशन करने को भी आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम उन क्वेश्चनों में और वेरीफाई करेंगे रिजल्ट को, ठीक है। तो ये तो सिंपल मेथड हो गया। अब कभी कभी क्या होता है पॉलीनोमियल के टर्म में आ जाता है, वो कैसे आता है देखो। तो इसमें एक कंडीशन लिख लो, वेयर डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स लेस देन पी ऑफ एक्स, इसे कम होना चाहिए इसका डिग्री, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आपका क्वेश्चन है, क्योंकि देखो थ्योरी में तो इतना ही है, इस टॉपिक को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले टाइप बने आपका वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। तो जो टाइप वन में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे वेरिफिकेशन, जिसमें आपको पूछा होगा कि डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करो, क्वेश्चन में क्या पूछा होगा, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करो। तो ये टाइप वन इंपॉर्टेंट है बोर्ड वाइज, ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ये पॉलीनोमियल है, ये क्या है आपका पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल से इसको डिवाइड करना है और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। तो पहले तो हम डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने के लिए सबसे सिंपल मेथड रहेगा आपके लिए, क्या होता है वो, सबसे सिंपल मेथड रहेगा क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि 9th क्लास में सीखा था। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड क्या करना है, डिवाइड x की पावर 4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, आप सब कर लोगे। तो देखो कैसे करते हैं, यहां पे देखो ये क्या है x की पावर 4, यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, x की पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, x स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा आपका, x स्क्वायर, अब x स्क्वायर आ गया तो x स्क्वायर into x स्क्वायर, x की पावर 4, x स्क्वायर into minus 3x, तो minus 3x cube, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहां पे अगर प्लस है तो यहां पे क्या लिखना है, माइनस, यहां पे अगर माइनस है तो यहां पे प्लस, मतलब अपोजिट साइन।
अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस थ्री यहाँ पे प्लस थ्री, तो माइनस नाइन प्लस थ्री माइनस के नहीं यहाँ पे क्या है प्लस थ्री एक्स क्यूब, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक्स क्यूब है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। अब क्या करना है आपको, फिर ये जो फर्स्ट टर्म है इस फर्स्ट टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, तो इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 3x, क्योंकि देखो 3x क्यूब अपॉन x स्क्वायर क्या आएगा ये 3x, तो मेरे को ये पता पड़ जाएगा यहां पे क्या लेना आपको प्लस 3x, ठीक है तो ये पता पड़ेगा आपको। अब प्लस 3x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा 3x क्यूब, 3x इंटू माइनस 3x आ जाएगा माइनस के 9x स्क्वायर, ठीक है माइनस के 9x स्क्वायर, 3x इंटू माइनस 3x माइनस 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस है ये प्लस, अब देखो ये तो कैंसिल आउट और ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या केवल नाइन। तो बेसिकली मेरे को क्या करना था, डिवाइड पॉलिनोमियल, इस वाली पॉलिनोमियल को उससे डिवाइड करना था, तो डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास में जो क्यूसेंट है तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया नाइन, तो यहाँ पे लिख लो। तो देखो मैंने क्या बताया था डिविजन एल्गोरिथम में, आपको डिविजन एल्गोरिथम में बताया था px बताया था, gx बताया था, rx बताया था, qx बताया था, तो देखो ये क्या बन जाएगा आपका rx, तो rx हो जाएगा आपका 9, ठीक है q of x हो जाएगा आपका x square plus 3x, ठीक है ये p of x क्या हो जाएगा, g of x क्या हो जाएगा, g of x क्या था बच्चों, g of x क्या था डिवाइजर, तो ये डिवाइड कर रहा है ना इसको, तो इसलिए ये क्या है डिवाइजर, x square minus 3x, ठीक है। अब क्या बचा मेरा p of x, तो p of x ये मेरा ठीक है, तो p of x आ जाएगा x पावर 4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब देखो क्या होगा इसके बाद में, ठीक अब क्या करना है, देखो ये आ गया, इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा आपको, डिवीजन एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, तो डिवीजन एल्गोरिथम में मैंने क्या बताया था आपको, p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू g ऑफ x प्लस r ऑफ x। अब देखो q ऑफ x क्या आया मेरा, q ऑफ x कितना है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, ये क्या कर रहा हूं वेरीफाई कर रहा हूं ना, यहां पर लिख लेना वेरिफिकेशन, ठीक है क्यू ऑफ एक्स कितना है मेरा, क्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स यहां पर पुट कर दो, इंटू जी ऑफ एक्स कितना है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस आर ऑफ एक्स कितना है मेरा, आर ऑफ एक्स है नाइन, तो यहां पर नाइन पुट कर दो। अब देखो x स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, तो ये बना आपका a प्लस बी वाला फॉर्मूला है ना, ये क्या हो जाएगा a, ये b और a और b, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा होगा ना आपने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहां पे a की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर उसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो मेरा a है, ये क्या है मेरा a, ठीक है तो ये हो जाएगा मेरा a, तो a स्क्वायर उसका भी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अब b क्या है मेरा 3x, तो 3x का स्क्वायर बचा क्या मेरा 9, तो प्लस 9, तो क्या आ जाएगा ऐसे x स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9। अब देखो मेरे को वेरीफाई क्या करना था कि जो p ऑफ x है, तो p ऑफ x ये आ गया, यहां पे देखो p ऑफ x x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9 है, ये तो वेरीफाई है, तो p ऑफ x आ गया मेरा, तो ये वेरीफाई हो गया, तो हेंस वेरीफाई, ठीक है
इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, बोर्ड में जब भी आएंगे तीन मार्क्स के आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो थ्री मार्क्स का आएगा। तो उसमें क्या करना, पहले उसको पहले डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद में वेरीफाई करना। वेरीफाई कैसे करना है, डिवीजन एल्गोरिथम से, और ये डिवाइड कैसे करना है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वेरी सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये सीबीएसई आपका 2015 में क्वेश्चन आया था, जो भी कराया है ये वाला क्वेश्चन 2015 में थ्री मार्क्स क्वेश्चन आया, तो देख लो आप इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों ये आपका एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस टू बाई पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स। तो इसमें क्या है, क्वेश्चेंट एंड रिमाइंडर आपको दे रखी है, तो ये क्या आपका क्वेश्चेंट, ये आपका रिमाइंडर, और इसको डिवाइड करना है। अब आपको जी एक्स पूछा है, तो फाइंड जी एक्स, तो क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, डिवीजन एल्गोरिथम का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो क्या बताया था मैंने, तो देखो जी ऑफ एक्स निकालना है, आपको पी ऑफ एक्स दे रखा है, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखो ये रिमाइंडर है तो ये हो जाएगा आर ऑफ एक्स, ठीक है। क्वेश्चेंट क्या है, ये है तो ये हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स, और ये क्या मेरी पॉलिनोमियल है तो ये हो जाएगा आपका पी ऑफ एक्स, और ये क्या निकालना है, जी ऑफ एक्स निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था मेरा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, डिवीजन एल्गोरिथम मैंने लगा दिया, ठीक है। अब देखो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा मेरा, जो ये दे रखा है, तो पी ऑफ एक्स हो जाएगा आपका एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्यू ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस आर ऑफ एक्स क्या आपका एक्स माइनस वन, ठीक है। अब आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को दो मेथड है आपके, है ना। एक तो क्या करो, ये जो पॉलिनोमियल है वो ये इतना दे रखा है, और इधर क्या देगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहां पे आपकी लीनियर पॉलिनोमियल, ये अगर क्यूबिक है। अब देखो जीएक्स का हमको नेचर पता करना पड़ेगा, जीएक्स क्या हो सकता है। अब देखो जीएक्स मेरे को मानना पड़ेगा कि ये हो सकता है आपका ए एक्स प्लस बी। देखो ए एक्स प्लस बी क्यों माना मैंने, क्योंकि x का x स्क्वायर से इंटू होगा तो x क्यूब आएगा, क्या आएगा x क्यूब, ठीक है, क्या आएगा x क्यूब। अब x क्यूब आएगा तो यहां पे क्या x क्यूब है, तो इसलिए मैंने क्या लिया ए एक्स प्लस बी। अब मान लो आपके मन में डाउट होगा कि सर आप ये भी ले सकते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मैंने ये ले लिया होता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको, जी एक्स को। तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर बनाता राइट हैंड साइड में, पर क्या मेरा लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की पावर फोर है, नहीं है, इसलिए मैं जी एक्स को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं ले सकता। क्या ले सकता हूं मैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल ले सकता हूं, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं ले सकता, तो इसको हटा दो पहले। तो क्या मान लिया आपने, ए एक्स प्लस बी मान लिया, तो ए एक्स प्लस बी मान लिया। अब क्या करोगे आप, ये तो हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस टू इक्वल टू। अब देखो ए एक्स प्लस बी इसको माना, तो ए एक्स का इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, ए एक्स क्यूब ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स इंटू फोर एक्स, तो क्या आ जाएगा ये फोर ए एक्स स्क्वायर ए एक्स इंटू थ्री आ जाएगा थ्री ए एक्स, ठीक है, प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर तो बी एक्स स्क्वायर प्लस फोर बी एक्स और प्लस थ्री बी, ये सबका इंटू कर लो तो ये आ जाएगा, बचा क्या आपका x माइनस वन, तो ये आ जाएगा x माइनस वन, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करो, ये x क्यूब है तो ए ए x क्यूब आ जाएगा, यहां पे 4ax स्क्वायर और 4b, ये हो जाएगा 4bx स्क्वायर और x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 4a प्लस b और x स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब क्या बचा 3ax 4bx और x, इनमें क्या कॉमन है x, x कॉमन ले तो क्या बचेगा 3a प्लस 4b प्लस 1 और x। देखो तो इसमें से x कॉमन ले लिया 3a बचा, इसमें से x कॉमन ले लो तो 4b बचा, इसमें से x कॉमन ले लो तो 1 बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा 3b माइनस 1, ठीक है। और इधर लिख लो ये पूरा का पूरा सेम, अब देखो x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या है a, यहां पे कितना कोफिशिएंट x क्यूब का 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 1, ठीक है। यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4a प्लस b, यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, तो 4a प्लस b इज इक्वल टू 5 आ गया,
ठीक। अब देखो इसको मत करना कि इस x का कोफिशिएंट और यह x का कोफिशिएंट इसको भी कंपेयर करने लग जाओ, क्यों नहीं करना है, क्योंकि मेरा यहां से ही काम हो जाएगा। तो a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू इसमें 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 into 1 plus b is equal to 5, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1। अब देखो वेरीफाई भी कर लो, वेरीफाई a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 पुट करो 3 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 1 बनेगा, सबका एडिशन कितना 8, तो यहां पे भी 8 ही लिखा है, देखो ये 8 और ये भी 8। अब देखो वो कांस्टेंट टर्म, यहां पे b की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 into 1 3, 3 minus 1 2, यहां पे भी क्या है 2, तो इसलिए मैंने बोला था इसको निकालने की जरूरत नहीं है, केवल इन दोनों से ही काम हो जाएगा। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1, ये अगर आ गया आपका तो मेरा g of x आ जाएगा, g of x मैंने क्या माना था, ab plus x, तो g of x is equal to ax plus b, ये जो मैंने अजूम किया था, तो यहां से g of x क्या आ जाएगा, x plus 1। तो बच्चों समझ में आया, इस टाइप से आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो कैसे करना है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ये हो जाएगा, और g of x ax plus b है। अब क्या करो, ये कैसे डिसाइड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहां पे क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, क्या होगा, है ना, तो वो कैसे करना है, यहां पे देखो x स्क्वायर into x, तो x क्यूब दे देगा, अगर यहां पे x की पावर 4 होता तो मेरे को क्या लेनी पड़ती क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर plus bx plus c, क्योंकि x स्क्वायर into x स्क्वायर x की पावर 4 होता। तो डिसाइड कैसे होगा कि यहां पे क्या है मैक्सिमम पावर, है ना, उससे डिसाइड होगा कि ये मेरे को gx क्या लेना है। समझ में आया, नोट डाउन कर लो इसको, है ना, इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, जो भी अभी चल रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से करना। तो नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन करके, तो वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये टाइप 2, तो अब ये आपका टाइप 2, टाइप 2 क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो बनता है वो इस वाले पे बनता है, ठीक है। अभी इससे पहले जो टॉपिक किया था उसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, पर लेकिन जो 4 मार्क्स का आता है, जो कंपलसरी होता है तरीके से, 90% चांस होते हैं, वो इस वाले से आते हैं। इसमें क्या होगा आपको, ऑन फाइंडिंग रिमेनिंग जीरोस इफ सम ऑफ इट्स जीरो इज गिवन, एक पॉलीनोमियल होगा उसके कुछ जीरो आपको दे रखे होंगे और रिमेनिंग जीरो के बारे में आपको पूछा होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का बनता है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो कैसे करते हैं, है ना, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा आपका, एक 2 0 जो पॉलीनोमियल p of x एंड x की पावर 4, तो ये आपको जो पॉलीनोमियल दे रखी है इसके 2 0 आपको दे रखे हैं, तो मैंने क्या बताया था, 2 0 दे रखे होंगे, 2 0 पूछे होंगे, तो कैसे निकालना है आपको, तो फाइंड द अदर जीरोस, तो अदर जीरो को कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब देखो 2 0 जो दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 2 प्लस माइनस √3, वो एक जीरो नहीं है, वो 2 जीरो है, कैसे हैं वो देखो, एक जीरो क्या है उसका 2 प्लस √3 एंड दूसरा क्या है 2 माइनस √3। तो पहले क्या करो, एक पॉलीनोमियल निकाल लो इन जीरो से, है ना, पॉलीनोमियल किन जीरो से निकालना है, 2 प्लस माइनस √3, बताया था आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म करना, अगर 2 जीरो दे रखे हो तो उससे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं, तो क्या बताया था, तो पहले तो 2 जीरो ही लिख लो, तो गिवन जीरोस, गिवन जीरोज आर 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ठीक है, ये दोनों जीरो से, ये गिवन जीरोज है मेरे दोनों के दोनों। अब इससे एक पॉलीनोमियल बनाना है, तो कैसे बनेगी, अब पॉलीनोमियल फॉर्मड बाय गिवन जीरोज देखो, तो कौन सी पॉलीनोमियल फॉर्म होगी, तो क्या बताया था आपको, पॉलीनोमियल कैसे फॉर्म करने का बताया था, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहां पे क्या था आपका के भी था, तो यहां से क्या आ जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू के, अब देखो सम ऑफ जीरोज, तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो दोनों जीरो क्या दे रखे हैं आपको, 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3, तो यहां पे आ जाएगा x, है ना, ऐसे ही करना आपको, है ना, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉस से देख लो कैसे करना है,
दो जीरो दे रखे हैं तो पहले आपको पॉलिनोमियल फॉर्मूला करनी है ना, तो ऐसे करके पॉलिनोमियल फॉर्मूला हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, दो जीरो दे रखे हैं, एक देगा टू प्लस रूट थ्री और दूसरा आपका टू माइनस रूट थ्री, तो क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट टू प्लस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखो ये रूट थ्री और ये रूट थ्री तो कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, टू प्लस टू कितना आ जाएगा फोर एक्स। अब देखो अभी मैंने बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, ये क्या है ए और ये आपका बी, ये ए और ये बी, ए प्लस बी ए माइनस बी मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पे ए क्या है टू, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर माइनस, यहाँ पे बी कितना है रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है थ्री होता है, तो फोर माइनस थ्री कितना आ जाएगा वन, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है टू बी क्या है रूट थ्री, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा वन। तो बेसिकली ये मेरी पॉलिनोमियल आ गई है ना, आ गई। अब देखो आगे कैसे करना है, तो ये पॉलिनोमियल आ गई। अब क्या है आपको इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर दो, किसको इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है आपको, तो आपकी जो दूसरी पॉलिनोमियल आएगी उसके जीरो आपके निकल के आ जाएंगे, तो कैसे करते हैं वो देख लो। तो डिवाइड, अब देखो के क्या है, के को यहाँ पे वन ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना एक्स के पावर फोर है, तो एक्स की पावर फोर के सामने वन कोएफिशिएंट है, तो इसलिए यहाँ पे जो के की वैल्यू वन आ जाती है ना, तो इसको क्या है अगर जनरल एक्सप्रेशन लिखवाए तो ऐसे लिख दो, अदरवाइज के की वैल्यू क्या ले लो वन, तो यहाँ पे के वन लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। अब क्या करना है आपको इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, जो आपने पॉलिनोमियल निकाली है जो निकाली है उसका क्या करना है इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड डिवाइड एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव, ठीक है ये पॉलिनोमियल होगी आपकी, ठीक है डिवाइड दिस बाय एक्स की पावर स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, इसे डिवाइड करना है, ठीक है इससे डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा एक्स की पावर फोर माइनस फोर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, यहां पे आ जाएगा आपका एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब ठीक है। अब देखो यहां पे क्या आएगा बताया था बहुत ही सिंपल, यहां पे एक्स की पावर फोर है, एक्स पावर फोर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो सिंपल तरीका क्या आ जाएगा यहां पे एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस फोर एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस के फोर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू वन तो प्लस वन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स क्यूब और यहाँ पे प्लस फोर एक्स क्यूब, तो क्या बचेगा माइनस के टू एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये माइनस के ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स। अब क्या आएगा यहाँ पे सोचो कितना आएगा, यहाँ पे सोचो लो एक बार बताता हूं, तो यहाँ पे आएगा आपको देखो इसको इससे डिवाइड करो एक्स स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा माइनस टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा माइनस के टू एक्स, नाइन्थ क्लास में बहुत प्रैक्टिस किया था इस चीज का, तो माइनस टू एक्स यहाँ पे लिख लो माइनस टू एक्स। अब माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस के टू एक्स क्यूब माइनस के टू एक्स इंटू माइनस फोर एक्स कितना आ जाएगा प्लस एट एक्स, और यहां पर कितना आ जाएगा प्लस वन थर्टी एट, और ये आ जाएगा आपका माइनस के टू एक्स प्लस वन कितना आ जाएगा माइनस के टू एक्स, ठीक है। तो देखो इसको इधर लिख देता हूं मैं है ना, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा देखो ये तो हो जाएगा प्लस यहां पे माइनस यहां पे प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, यहां पे बचेगा आपका माइनस ट्वेंटी सेवन और माइनस के एट कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन और माइनस एट, तो माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर
यहां पे 138 प्लस 2 तो 140 x, यहां पे क्या बचा माइनस के 35। अब देखो यहां पे क्या आएगा, आपको बेसिकली बस इससे मतलब है यहां पे क्या आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहां पे x स्क्वायर और यहां पे क्या आपका माइनस के 35x स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा कैसे पता पड़ेगा, इस चीज को इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ रहा है माइनस के 35, इस वाली चीज को इससे डिवाइड कर दो तो कितना आ रहा है माइनस 35, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 35। तो माइनस 35 इनटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 35x स्क्वायर। अब माइनस 35 इनटू माइनस के 4x कितना हो जाएगा प्लस 140, माइनस 35 इनटू 1 तो माइनस के 35, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये क्या आ गया जीरो। तो बेसिकली देखो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मेरे को ये पॉलीनोमियल दे रखी थी, इस पॉलीनोमियल के दो जीरो दे रखे थे, दो जीरो पूछे थे, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आएगा। उसमें से मैंने क्या किया, दो जीरो जो दे रखे थे उससे एक पॉलीनोमियल बना ली, वो कौन सी बनी थी ये वाली। अब क्या किया, जो पॉलीनोमियल दे रखी थी कौन सी दे रखी थी x की पावर 4 वाली, इस वाली पॉलीनोमियल को मैंने इससे डिवाइड कर दिया। तो इससे डिवाइड करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दिया मैंने, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से मेरा ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, तो दो जीरो दे रखे थे वो ये दोनों दे रखी हैं, दो जीरो जो निकालनी है वो कहां से मिलेंगे, इससे मिलेंगे, किससे x²-2x-35। तो पूरा मिटा देता हूं मैं, किससे मिलेंगे x²-2x-35। वीडियो को स्टॉप करके पूरा नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, तो बच्चों क्या बचा मेरे पास में x²-2x-35, ठीक है। तो इस पॉलीनोमियल को डिवाइड किया था तो मेरे पास में ये बच रहा है। अब इसके क्या निकालने आपको, जीरो निकालने, क्योंकि दो जीरो तो दे रखे हैं आपको, दो जीरो और निकालने, तो कैसे आएंगे x²-2x-35। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरो कैसे निकालते हैं, तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है पहले उसको जीरो को इक्वेट कर दो, तो x²-2x-35 इक्वल टू जीरो, इसको जीरो को इक्वेट प्रूव कर दिया। जीरो के इक्वेट रखकर अब इसके जीरो कैसे निकालेंगे, ये नाइन्थ क्लास में सीखा था, तो 35 के पहले क्या निकालो फैक्टर्स, तो 35 इंटू 1 तो 35, उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 इंटू 7। अब देखो इन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो यहां पे माइनस है तो डिफरेंस लेंगे, प्लस होता तो क्या लेते हैं प्लस करते इन दोनों नंबर को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां पे x²-7x+5x, क्योंकि 7 में से 5 को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा और -35 = 0। अब देखो इसमें इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा x-7, इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो x-7 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x-7, तो x-7 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या x+5, इसको हटा दो यहां से = 0, तो यहां से x = 7 और x = -5। अब x = 7 x = -5, ये दो जीरो आ गए जो मेरे को निकालने थे। तो क्वेश्चन में क्या था आपका, क्वेश्चन में था आपका कि आपको दो जीरो दे रखे थे, दो जीरो निकालने थे, तो जब भी दो जीरो जो दे रखी हैं उससे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म करो, जो हमने निकाली थी, कैसे निकाली थी x²-sum(0)x+PROD(0)। ये बताया था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म करना, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमने फॉर्म कर लिया। जैसे ही वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आ जाए तो क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो, तो आपको एक क्वेशेंट मिलता है। क्वेश्चन यहां पे मिला था, यहां पे x²-2x-35 ये वाली इक्वेशन मिली थी, जो भी क्वेशेंट में आए फिर उसके भी जीरो निकाल दो। उसके जीरो कैसे निकालेंगे, बाय स्प्लिटिंग मेथड। तो ये हो गया आपका स्प्लिटिंग मेथड, यहां से ये दो जीरो निकल के आ गया, एक तो आ गया 7 और एक आ गया आपका -5। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। तो जो क्या निकालने ना आपको, फाइंड द अदर जीरोज, तो अदर जीरोज विल बी, अदर जीरोज विल बी 7 और -5, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इनको सॉल्व कर लेना, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ना बोर्ड में, और श्योर है 90% चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, ठीक है। जब भी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वो डिवीजन एल्गोरिथम से आता है। इसके बाद में एक और टॉपिक बचता है आपका, वो क्या है, फाइंडिंग क्वेश्चन एंड रिमाइंडर यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। ये वाला जो टॉपिक है इस पे एक क्वेश्चन भी आपको दे रखा, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और एक और इसके बाद में एक टॉपिक क्या है, वो एप्लीकेशन है, डिवीजन एल्गोरिथम का एप्लीकेशन, उसके बेसिस पे भी कुछ बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और
आज के सेशन पे एक वर्कशीट होगी लिंक में, तो वो डाउनलोड कर लेना। और एक क्या है, एक ग्रुप है 10th क्लास का यहाँ पे, तो ग्रुप है तो उसका भी लिंक दे रखा है, तो उस लिंक को खोल के उस ग्रुप में ऐड हो जाओ, तो वहाँ पे वर्कशीट वगैरह है, टेस्ट की इन्फॉर्मेशन है, वो सब पड़ी रहेगी वहाँ पे, तो उसमें ऐड हो जाओगे तो वो सब मिलता रहेगा आपको। ठीक है क्लास, तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।